आज के वीडियो में मैं एक विचार रखना चाहती हूँ और सभी टीचर्स को सैल्यूट करना चाहती हूँ जो इस टाइम पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्पेशली लेडीज़ टीचर्स, क्योंकि उनके खुद के बच्चे हैं जिन्हें उनको पढ़ाना है। फिर उनके ऊपर ये भी प्रेशर आ गया है कि आपको लाइव क्लासेस में जाके बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। उसी टाइम पे जिस तरीके से स्कूल में आप पढ़ाते थे, उसी तरीके से अब आपको लाइव क्लासेस लेनी होगी। मतलब वो एक फिक्स टाइम के लिए बाउंड हो जाते हैं, उतना टाइम उनको बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। दूसरा क्या है, जब हम घर में होते हैं ना, तो घर में एज ए हाउस वाइफ मैं ये बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि आप एक काम करने जाते हो और आपको 10 काम और दिख जाते हैं और आप वो करने में बिजी हो जाते हो। तो उस डिस्टरबेंस के चलते हुए लाइव क्लासेस लेना बहुत बड़ी बात है। दूसरा, जब अगर कोई टीचर लाइव क्लास ले रही है, सेम टाइम पे उसके बच्चे की खुद की लाइव क्लास चल रही होती है, और लाइव क्लास में ऐसा है नहीं कि आप सिर्फ बच्चे को फ़ोन दे के बैठा दो और बच्चा पढ़ लेगा, बिल्कुल भी नहीं होता। छोटे बच्चों के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है, उसके साथ पेरेंट को बैठना ही बैठना पड़ेगा। तो इस टाइम पे वो अपने बच्चे को पढ़ाए या जो वो क्लास ले रही है वो क्लास ले। लाइव क्लास में हर पेरेंट कोऑपरेट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, किसी का एक्सक्यूज़ है, किसी की मजबूरी है। ये प्रेशर ज़रूर रहेगा कि जो बच्चे रह गए हैं, जो नहीं कर पाए हैं, आप उनको भी वापस से पूरा सिलेबस कवर करवाइए। तो इतनी मेहनत का इस टाइम पे मुझे कोई नतीजा नहीं दिख रहा है। मेरी तरफ़ से इतनी मेहनत करने वाले सभी टीचर्स को सैल्यूट है।